मेरे चैनल आशा सक्सेना। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि स्प्लिटेंट्स को किस तरह से रिमूव करना चाहिए। स्प्लिटेंट्स को हिंदी में दो मुंह के बालों को रिमूव करना कहते हैं, दो मुंह के बालों को निकालना कहते हैं। और ये स्प्लिटेंट्स क्यों होते हैं पहले हम ये बताते हैं आपको। ये स्प्लिटेंट्स डैंड्रफ के कारण होते हैं और या फिर बहुत ज्यादा ड्राई हेयर हो जाते हैं इसलिए होते हैं, या हमारे बेजान हेयर बहुत ज्यादा हो जाते हैं इसलिए होते हैं। और इससे नुकसान ये रहता है कि हमारे हेयर की ग्रोथ रुक जाती है और जो हमारे हेल्दी हेयर होते हैं वो बेजान हेयर हो जाते हैं, इसलिए इनको रिमूव करना बहुत आवश्यक है। फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग से एंड तक हमारा वीडियो वॉच जरूर करिए कि किस तरह से हम स्प्लिटेंट्स को रिमूव करेंगे। और ये स्प्लिटेंट्स वाली प्रॉब्लम है ड्राई हेयर में ही ज्यादा होते हैं और बालों के फटने का जो नीचे के पोर्शन पर इस तरह से ये पोजीशन जब होती है बाल दो मुखे हो जाते हैं, इनको बालों के फटने को हम स्प्लिटेंट्स बोलते हैं और हिंदी में दो मुखे बालों को बोलते हैं। तो ये हमारे हेयर को ग्रोथ को रोकना और हेल्दी हेयर को रोकना और बेजान हेयर को अगर हम रिमूव नहीं करेंगे तो फिर हेयर की शाइनिंग भी चली जाएगी, हेयर ग्रोथ भी रुक जाएगा और फिर हमारे हेयर में डैंड्रफ वाली जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ सकती है। तो फ्रेंड्स इसलिए अपने हेयर की केयर करने के लिए हम यही बता रहे हैं कि हमको उनको बढ़ने से रोकना चाहिए, उनको स्प्लिटेंट्स को रिमूव करना चाहिए या करवाना चाहिए। तो यही देखिए, ये मेरे क्लाइंट है, इनके इस तरह से हेयर हैं। आप देख रहे हैं कि काफी ये सारे हेयर स्प्लिटेंट्स हैं और इनको रिमूव करना बहुत आवश्यक है। हेयर की शाइनिंग इनके कारण से चली जाती है, हेयर ग्रोथ रुकती है, साथ में शाइनिंग का काम जो हेयर में होता है, हम कंडीशनर वगैरह कितना भी यूज करें अगर हमारे हेयर के स्प्लिटेंट्स की प्रॉब्लम है तो कुछ भी असर नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हम उस बीमारी को हटाएंगे तभी ताकत की दवा हम लेंगे, पहले बीमारी हटे। स्प्लिटेंट्स को रिमूव करने के बाद ही हम कोई भी हेयर कंडीशनर या सीरम यूज कर सकते हैं या एग यूज कर सकते हैं, जिससे स्प्लिटेंट्स के साथ साथ जो हेयर में शाइनिंग लाना है वो आएगी। ये देखिए आप नीचे के हेयर किस तरह से हैं, आपको भी दिख रहा होगा बहुत ही ड्राई हैं और सारे हेयर ये इस तरह से दो मुंह के नजर आ रहे हैं। तो इनको रिमूव करने का तरीका हमने इससे पहले भी एक वीडियो पोस्ट किया था तो उसमें बताया था हमने, हम सीजर के द्वारा भी रिमूव करते हैं और कैंडल के द्वारा भी करते हैं। हमने दोनों तरह से दोनों वीडियो पोस्ट किए हुए हैं, विश्वास है आपने देखे होंगे। लेकिन आज ये हेयर जो है काफी हैवी है लेकिन बस स्प्लिटेंट्स वाली प्रॉब्लम के कारण बिल्कुल शाइनिंग चली गई है हेयर की। तो वही हम बताएंगे किस तरह से हम स्प्लिटेंट्स को रिमूव करेंगे। आज हम सीजर के द्वारा ही आपको बताएंगे कि प्रॉपर वे में स्प्लिटेंट्स को किस तरह से रिमूव करना चाहिए। आप ध्यान से देखिएगा और ये देखिए इस तरह से हेड वॉश किए हुए हेयर होने चाहिए और इन हेयर में हम अच्छे से पहले कॉम करेंगे, वाटर स्प्रे नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ड्राई हेयर की आवश्यकता है। अगर हेड वॉश करने के बाद में गीले हेयर हैं तो हम उसको ड्रायर करके सुखाएंगे। हेयर बिल्कुल सूखे हुए होने चाहिए। इस तरह से हमने कॉम किया और सेंटर पार्टी करके हेयर को हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये देखिए आप ये टू पार्ट में हमने हेयर को डिवाइड कर दिया। ये देखिए पहले हम राइट हैंड साइड के हेयर को देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के हेयर को हमने लॉक कर दिया और अब हम स्टार्टिंग राइट हैंड साइड के हेयर का करेंगे। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड के हेयर को लॉक कर दिया है, राइट हैंड साइड के हेयर को भी हम हाफ हेयर को इस तरह से लॉक करके
बैक कर देंगे, क्योंकि जिससे आपस में हेयर मिक्स ना हो। ये इनके फ्लिक है, तो फ्लिक का हम बाद में बताएंगे आपको करके। ये देखिए बहुत ही पतली पार्टिंग हम करेंगे। हम लॉन्ग हेयर में पहले बता दें आपको, फ्लिक का हम बाद में बताएंगे। ये हेयर है और इसके भी हाफ हेयर में हमने पार्टिंग की, ये देखिए। अब ये हेयर जो है इसको हम बल लगाकर टाइट करेंगे। बल हमको टाइट लगाने होंगे जिससे कि सारे स्प्लिट एंड्स दिखाई देंगे। हमने आपको समझाया कि हेड वॉश किए हुए हेयर गीले हेयर ना हो, ऑयलिंग वाले हेयर ना हो, कंडीशनर वाले हेयर ना हो, तभी ये स्प्लिट एंड ढंग से निकल पाएंगे। ये देखिए कितना टाइट हमने किया है। जितना हेयर टाइट हम बल लगाकर तैयार करेंगे उतना ही अच्छे से रिजल्ट दिखाई देगा आपको। ये देखिए ये हमने इस तरह से बल लगाया है। ये हमने बल लगाया और अब इसको करने का तरीका देखिए, इतना टाइट हो गया ये। आप देख रहे हैं ये सारे जो हेयर हैं नजर आ रहे होंगे, हमारे बल वाले हेयर से अलग दिखाई दे रहे हैं ये कुछ हेयर। हम इस तरह से रिवर्स फिंगर को लेकर जाएंगे और आपने देखा कि ये और भी ज्यादा अलग हो गए। फिर हम इस तरह से ये देखिए जो बिल्कुल बल से अलग हेयर दिखाई दे रहे हैं केवल उनका कट करना है हमको। ये स्प्लिट एंड्स हैं, दो मुंह के हेयर अपने आप नजर आ रहे हैं। इस तरह से सीजर को हम लेकर के ये देखिए, और ये लास्ट वाले जो हेयर है उनका हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा आधी सेंटीमीटर के करीब बस हम ये कट करेंगे जिससे कि नीचे के जो हेयर थे वो हो जाए। ये देखिए इसी तरह से फिर एक बार बताते हैं आपको। ये हमने हेयर को लिया और इन हेयर को बल लगाकर हम तैयार करेंगे। हेयर की ग्रोथ के लिए हमको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हेयर में स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब हमारे हेयर की ग्रोथ रुक जाएगी और हेयर की शाइनिंग में भी फर्क पड़ता है। ये देखिए इतना टाइट हमने बल लगाया है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी पार्टिंग करके हेयर को लीजिए और फिर आप इस तरह से सारे हेयर को बल लगाकर स्प्लिट एंड्स को रिमूव करिए, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और हमारी गारंटी है 3 सिटिंग के बाद में स्प्लिट एंड बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगे और कोई किसी तरह के केमिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ये नेचुरल जो ट्रीटमेंट है
वो हमने आपको बताया है। आप घर पर आसानी से कर सकते हैं, एक दूसरे के खुद सेल्फ भी कर सकते हैं। आगे हेयर रखकर फिर आप पतले पतले पार्टिंग करके लीजिए और फिर सेल्फ करिए। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये हमने इस तरह से कराए और बिल्कुल टाइट है बल। ये हम रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने से जो भी स्प्लिट एंड्स हैं आपको नजर आ रहे हैं, देखा आपने, बिल्कुल नजर आ रहे हैं। और फिर हम जब बल लगाने से हमारे हेयर से अलग हो गए ये स्प्लिट एंड्स, तो आसानी से रिमूव हो जाते हैं। ये देखिए आप, इस तरह से हम करेंगे। जो एक्स्ट्रा हेयर नजर आ रहे हैं उनको हम रिमूव करेंगे। ये देखिए, विश्वास है हम जो समझा रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए बहुत ही इजीली ये तरीका है स्प्लिट एंड्स रिमूव करने का। कैंडल वाला जो हमने आपको वीडियो में बताया था वो थोड़ा रिस्की है, बाकी इसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं है अगर हम ध्यान से करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से सारे हेयर रिमूव हो गए जो स्प्लिट एंड्स वाले थे। और लास्ट में ये बिल्कुल बल लगाकर फिर स्प्लिट एंड्स रिमूव करेंगे। ये फ्लिक वाले हेयर है, हम इसमें भी बताते हैं आपको, तरीका वही रहेगा। ये देखिए, हमने कुछ हेयर को लिया है, हमको पार्टिंग पतली पतली लेनी होगी तभी ये अच्छे से प्रॉपर वे में स्प्लिट एंड्स रिमूव हो सकेंगे। ये देखिए आप, तरीका वही है। फ्लिक वाले आप पहले कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं लॉन्ग हेयर में। ये देखिए, इस तरह से हमने किया। और ये हमको जो कुछ हेयर नजर आ रहे हैं बल वाले हेयर से बिल्कुल अलग नजर आएंगे, उन्हीं को हम करेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे हेयर को पतली पतली पार्टिंग करके अच्छे से बल लगाएंगे और इस तरह से स्प्लिट एंड्स को रिमूव करेंगे। तो विश्वास है फ्रेंड्स, ये आपको तरीका समझ में आ गया होगा। और आप घर पर करके देखिए, आप सेल्फ भी कर सकते हैं। हेयर को आगे लाकर फिर बल लगाइए और बल लगाने के बाद में सीजर से आप कर सकते हैं। पर पार्टिंग जो हेयर की है वो पतली होनी चाहिए, तभी अच्छे से स्प्लिट एंड्स बाहर आएंगे। और प्रिकॉशन वाली बात हमने बता दी है कि ना ऑयल होना चाहिए, हेड वॉश किया हुआ हेयर होना चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए, हेयर स्पा किया हुआ नहीं है, कंडीशनर यूज नहीं किया हुआ होना चाहिए, तभी स्प्लिट एंड्स हमको रफ हेयर में दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, इस बीमारी से आप बचिए। अगर आपको हेयर में शाइनिंग लानी है, ग्रोथ अच्छी रखनी है, या फिर हेयर को हेल्दी बनाना है, और शाइनिंग वाले हेयर को सभी पसंद करते हैं, आपको वो करने हैं, तो प्लीज आप स्प्लिट एंड्स का ध्यान रखिए। और इस तरह से आप घर बैठे निकाल सकते हैं स्प्लिट एंड्स को और अपने हेयर को हेल्दी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है, समझ में आता है, समझाने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका, तो आप लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। और इसी के साथ विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत